फाइनली दोस्तों हीरो कंपनी ने अपने करिश्मा XMR का नया 2025 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे अपडेट और बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लुक्स भी चेंज हो चुका है और साथ ही साथ इसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो पे हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लुक्स के बारे में। तो इसकी जो लुक है दोस्तों वो आपको काफी शानदार देखने को मिल जाएगा। इसमें एक नए कलर और ग्राफिक्स को ऐड किया गया है, जो कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले चेंजेस की बात करूँ तो वो आपको इसके फ्रंट सस्पेंशन में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अब आपको इसके फ्रंट में गोल्डन कलर में USD सस्पेंशन दिया गया है, जबकि दोस्तों आपको पहले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था। इसके अलावा इसमें आपको राइडिंग मोड और ABS मोड जैसे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे नए फीचर्स को इसमें एड ऑन किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको जो पहले फीचर्स मिलते थे वो सभी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सभी फीचर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, USB चार्जिंग पोर्ट और साइड स्टर्न इंजन कटअप सेंसर जैसे सभी फीचर्स दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों इसके जो इंजन है उसको भी चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको पहले 210cc का इंजन मिलता था, लेकिन दोस्तों अब इस बाइक में आपको 250cc का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 30 PS की पावर और 25 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा। बाकी ये जो बाइक है दोस्तों वो 6-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ आएगी, जिसमें आपको तकरीबन 30 से 35 km तक का माइलेज देखने को मिलेगा। तो कुल ये सारे अपडेट और चेंजेस इसमें किए गए हैं। बाकी दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो हीरो कंपनी की तरफ से इसकी प्राइस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। अब आप लोग ही बताइए दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस बाइक की प्राइस कितनी होनी चाहिए। जो भी ओपिनियन हो दोस्तों वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाइक से रिलेटेड ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।